इससे पहले मेरे ख्याल से किसी की गाड़ी में दिक्कत भी नहीं आई होगी। कई दिन का रुक रखा था पानी, मतलब गाड़ी का क्या हाल हो रखा है, बट इसका नहीं आ रखा है, सारे के गिला हो रखा है कारपेट मेरा। एक बात पूछनी है कि जैसे अब मैंने ये करा रखा है, एक तो जैसे इसका मीटर का कलर चेंज हो रखा है और एक जैसे ये, तो इसमें गाड़ी में कोई दिक्कत आ सकती है इससे? भाई फिर से अपनी गाड़ी में एक नई दिक्कत आ चुकी है, ये एयर बैग की लाइट आ रखी है, अब फटने मतलब एयर बैग का फटना जाए चलती गाड़ी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी आपका एक और नई वीडियो में। भाई अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले मैंने जो अपनी गाड़ी की जो है ना सर्विस कराई थी, अब ये वीडियो मैं ना मतलब अब ये एक तरह से आज सॉल्यूशन इसका देखने भी कई दिनों में जा रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं लग रहा था। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है ना चंडीगढ़ निकल रहा था NH 152 से, एक बार पहले आप वहाँ की क्लिप देखो। तो गाइस फिलहाल है ना मैं चंडीगढ़ जा रहा था NH 152 से, और एकदम मेरी गाड़ी में लाइट आती है एयरबैग की। मैं नॉर्मल चलने लग रहा था, कोई नहीं जैसे ऐसे ही चल रहा था, एकदम से लाइट आई एरर और आ गया नीचे एयरबैग लिखा। हालांकि इसमें भी कहीं पे नहीं आ रखा कोई भी एरर किसी भी तरह का, सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहीं पे आ रखा है। तो भाई अपनी तो समझ से बाहर है, मैं तो एकदम घबरा गया। मैंने ब्रेक ब्रेक दबा के देखी तो ब्रेक ब्रेक तो सब सही लग रहे हैं, मेरे ख्याल से वैसे ही कोई एरर आ रखा है। मेरे ख्याल से OBD स्कैनर से शायद हट जाए। मैंने गाड़ी जो है ना बंद भी कर ली है, ये अभी मैंने तेल लगाया तो गाड़ी ना मैंने बंद ही कर रखी थी कई देर से। अब देखते हैं लाइट आती है नहीं आती, देखो अभी भी आ रही है, ये लिखा रहा है एरर एयरबैग, और फिर आगे 620 की रेंज आई है। मैं पंचकुला आके मेरे को यहाँ पे अब 5:30 हो रखे हैं, थोड़ा बारिश का मौसम सा हो रखा था, कुछ शूट पे जा रखा था मैं। ये देखो अभी भी है ना ये एयरबैग वाली लाइट अभी भी है, गई नहीं है। 39.5 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब इतने घंटे गाड़ी यहाँ खड़ी ही थी इस पार्किंग में, फिर भी अभी भी यही दिक्कत आ रखी है, अभी भी लाइट है ना गई नहीं है। आपने देख लिया, वो भी हो गया। उसके अगले दिन मैं वहाँ से आया, रात को सोया, अगले दिन मैं गुड़गांव निकल गया परवीन भाई और आशीष भाई के साथ में। अब वो क्लिप देखो भाई, ये देखो अभी ना हम गुड़गांव में जस्ट एंटर हुए थे, ये देखो अभी एक एरर हो रहा है और एक एरर एयरबैग। ओ भाई क्या हो गया, ये तीन एक लाइट हो रहा है, एक और आ रखा था एयरबैग का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अरे एक और दिखा रहा है किस चीज भाई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का हो रहा था, अब वो नहीं लिखा रहा। क्या लग रहा है भाई, डर तो नहीं लग रहा है भाई? बाकी ठीक है, बस एयरबैग ना खुले। मुंह पागल आ गया सीधा भाई मेरे को तो ना, भाई यार अब दिखानी पड़ेगी अब तो गाड़ी, आज गुड़गांव आ गए भाई एक बार, अब है ना बेच दे तो आज सुन है बेच दे। हाँ क्यों बेच दे, नहीं ले ले तो दिलवा दो ना, ले ले चल, कौन सी लेगा है, कौन सी लेगा 330 आई, चल चलो अभी चल भाई, मना थोड़ी है किसी चीज है, मना थोड़ी किसी चीज की, मना तो किसी चीज की नहीं है, जेब में भी तो होना चाहिए। चल तो फिर जेब में भाई जीनोसो भेज देगा, मैं वर्टस भेज दूंगा। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मॉनसून है जब तक ऑफर है, मॉनसून है तो तब तक ऑफर है। जिस भाई को नहीं पता कि डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो गुड़गांव ने जो है अपना मॉनसून ऑफर अभी भी कंटिन्यू रख रखा है, क्योंकि जब तक मॉनसून है बारिश चल रही है वो ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा। तो आप अगर अपनी गाड़ी पे सेरामिक कोटिंग 10,000 रुपये में और ग्रेफिन कोटिंग जो है 12,000 रुपये और नीचे आप कॉन्टेक्ट नंबर दे ही सकते हो, सिर्फ जेन्युइनली फोन करना। अब खुद देख लो भाई ये सब गाड़ियों में दिक्कत आई है। मैंने ना एक इसकी रील डाली इंस्टाग्राम पे, उस पे रिस्पॉन्स भी ठीक आ गया, मतलब दिन में ही मतलब 2 दिन में 2,00,000+ व्यूज आ चुके थे उस रील पे, तो रिस्पॉन्स उस पर ठीक आया था। अब उसमें कमेंट्स है ना भाई, अब जिनमें दिमाग में मतलब दिमाग ही नहीं है, जिनमें बिल्कुल ही बेअक्ल आदमी, मैं ना वैसे सारे कमेंट्स जो है ना यहाँ पे मतलब कोई डिलीट कुछ नहीं कर रहे हैं, यूं के यूं जो है ना मैं इसमें डाल रहा हूँ साइड में, आप देख सकते हो। अब जिनमें दिमाग नहीं था कहीं, उन्होंने ये आया अपनी गाड़ी ठोक दो, भाई तुम ठोक दोगे अपनी गाड़ी, मतलब बिल्कुल ही लॉजिकल फालतू की बातें होते हैं ना कहीं, उनने करी कोई बात नहीं, मेरे को उनसे कोई दिक्कत भी नहीं है, अपना काम कर रहे हैं वो भी, हम अपना काम करेंगे। तो कई यूँ बोले कि आपने ना मेरे ख्याल से जो फीचर अनलॉक कराए थे, जैसे मैंने फीचर अनलॉक कराए थे और कलर चेंज कराया था, तो इससे दिक्कत आई होगी। तो उसमें काफ़ी मैसेज भी आए मेरे पास, वो बोले कि हमने तो कोई कलर भी नहीं चेंज करा रखा ना कोई फीचर अनलॉक करा रखा, पर हमारी गाड़ी में एयरबैग की लाइट आई है पहले भी। फिर मेरे को परवीन भाई मिले, दिल्ली से आने लग रहे थे वो, रास्ते में हाईवे पे एकदम से इंजन लाइट ब्लिंक होने लगी, जो एयरबैग वाली लाइट है ना वो ब्लिंक होने लगी, और एक क्रूज कंट्रोल टाइप जो मेरे में अभी आ रही थी वो वाली ब्लिंक होने लगी। और फिर वो बोले कि मैंने थोड़ी देर गाड़ी चलाई भगाई, फिर थोड़ी बंद करके वापस स्टार्ट करी ना तो लाइट चली गई, और मेरी इस लाइट को 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन है लाइट अभी भी नहीं गई है।
तो फिर मैंने ना फॉक्सवैगन में पता करा था कि क्या कुछ सॉल्यूशन है इसका, तो मैं फॉक्सवैगन में मैंने उसी दिन फ़ोन कर दिया था, वो बोले वैसे लाइट आ गई होगी या तो चली जाएगी या जो है ना आप वो स्कैनर से हो जाएगी हट जाएगी। पर अब मैंने फिर सोचा कि आज जो है ना फॉक्सवैगन में ले ही आते हैं, तो अब अपनी लाइट है ना मतलब ये हटाऊँगा वापस से भाई। फॉक्सवैगन रोहतक जिंदाबाद है, फॉक्सवैगन रोहतक में आ गए हैं और आज हमारे स्पेशल वाले अंकल नहीं है गेट पे। शिट यार। A few moments later. अभी तक तो ऐसे किसी और गाड़ी में नहीं आई ना ये यहाँ पे, किसी गाड़ी में नहीं आई अभी तक। एक बात पूछनी है कि जैसे अब हम मैंने ये करा रखा है, एक तो जैसे इसका मीटर का कलर चेंज हो रखा है और एक जैसे ये, तो इसमें गाड़ी में कोई दिक्कत आ सकती है इससे? कोई वायरिंग से अगर छेड़छाड़ ना हुई होगी तो वो तो स्कैनर जैसे आप स्कैनर लगाओगे ऐसे उससे करा है तो नहीं आनी चाहिए। अगर कोई वायरिंग वगैरह छेड़ी है तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा वैसे इसमें कोई वारंटी की दिक्कत आती है? वैसे तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा देख लो भाई ये जवाब है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, कई कईयों ने डरा दिया था मेरे को, और कई फालतू के जो कमेंट करते हो भाई सुन लो, इससे ऐसा कुछ नहीं होता। और ज़्यादातर जो है ना प्रोबेबिलिटी वो ये भी हो सकती है, जो मेरे पास मतलब उस पर कम्युनिटी पे कमेंट्स आए थे कि आपकी शायद या तो सीट आगे पीछे आप ये सफाई कर रहे होगे ना तो कपलर वगैरह उसका ढीला हो रखा होगा, या पानी में भी हो सकता है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अभी वो तो स्कैनर लगाएंगे उसमें पता चली जाएगा, हट ही जाएगी। 2000 years later. फिलहाल जो अपनी गाड़ी में दिक्कत आई है ना वो सुन के मेरा खुद का दिमाग सा घूम गया यार बिल्कुल ही एकदम, है ना। अब गाड़ी एक हफ्ते तक छोड़नी पड़ेगी। शिट यार ये कैसी दिक्कत आ गई। अब दिक्कत बताऊँ क्या है, ये देखो आप पानी देख रहे हो, मैं इस मैट को निकालता हूँ बाहर, ये देखो ये पानी आ रखा है सारे के गीला हो रखा है कारपेट मेरा, ये देखो पानी पानी हो रखा है इस साइड भी और इस साइड भी, पीछे तक अभी नहीं पहुंचा है। और जो वो वाली बर्टस आ रखी है ना उसमें भी यही वाली दिक्कत है। दिक्कत बताऊँ क्या है, ये अब इनका कोई कैंपेन आ रखा है उसमें क्या है कि आपकी जो गाड़ी में है ना, इन्होंने कह रखी कुछ गाड़ी में ऐसी दिक्कत आई है, ऐसा फॉक्सवैगन का कहना है पीछे से कि जिनकी जो एसी की पाइप है वो थोड़ी मुड़ जाती है, उससे जो एसी का पानी है वो लीक हो रहा है। अब एसी तो मेरा वैसे थोड़ा लेट कूल कर रहा था, मतलब मेरे को लगा कि मैं वैसे यार गर्मी ज़्यादा हो रखी तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर गाड़ी में भाई अभी ये दिक्कत आ रखी है और अभी पूरा कारपेट सीट खब सब खुलेगा और ये कह रहे हैं हफ्ते तक छोड़नी पड़ेगी, मुकदमा हो गया यार। ये देखो भाई गाड़ी का क्या हाल हो रखा है, वर्टिस का कुछ ऐसे ही अपनी का होना, मतलब सारा कारपेट सब निकलेगा, ये देखो हैंडल वगैरह सब कुछ, भाई गाड़ी कुछ बचेगी नहीं यार, ये क्या दिक्कत है ये फालतू की। ये देखो भाई फिलहाल वैसे तो चेक होएगा, वो वाली वर्टस भी पूरी ऐसी खुली है, ऐसी खुलेगी क्या मेरी भी है? नहीं अभी चेक करेंगे सब, क्या प्रॉब्लम क्या है यार, डरा दिया मैं। ओ भाई साहब देखते हैं भाई फिलहाल क्या कुछ रहेगा इसका, छोड़नी पड़ेगी अब क्या करें। कई दिन का रुक रखा था पानी, मतलब ओ भाई एकदम थोड़ी वो पाइप हिलाई और पानी पानी गिर रहा उसमें से, ठंडा पानी है सही है, गर्मी में ठंडा ठंडे पानी से नहा लिए। ये देखो भाई इसमें से पानी आया एकदम, मैंने उसमें अटक रखा था, जैसे ही वो करा ना पानी आ जाता है। कंटेंट तो देखा जाए पहले ही मिल गया यूट्यूब पे, इससे पहले मेरे ख्याल से किसी की गाड़ी में दिक्कत भी नहीं आई होगी भाई, पता नहीं यार ये तो क्या हो गया। तो भाई दूसरे वाली भी वर्टस आ चुकी है, इसका भी चेकअप होएगा अब। आए यस, आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है? यार मेरी में ना पानी की आवाज आती है, मजाक मतलब सही बता रहे हो, सीरियस बात है वैसे? सच में मैं लास्ट टाइम जो सर्विस के लिए आया था ना, हाँ। मैंने बोलना भी था आती एक ही बार है जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि आगे से पानी पीछे की तरफ जा रहा है उस साइड में। और फिर मैंने आपको जब बात बताई तो आपको पक्की बात लगी। कोई लाइट लूट आई है? हाँ कल आई थी, कल मैं भगा रहा था 160-170 रुपए। अच्छा आप तो स्लो ही, मतलब स्लो ही थी, स्लो ही थी तो एकदम लाइट आ गई। अभी वैसे अभी आ रखी है कहीं? नहीं कल ही आई थी बस। भाई मेरी तो हफ्ते तक कह रहे हैं छोड़ने की, हफ्ते तक सारी खुलेगी। एक बर्टस और आ रखी है देखो, तो पानी टप टप हो रहा है, टप टप हो रहा है तो मतलब गानी पूरी वर्किंग उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर
देखना कहीं फिर ठंडे पानी में ना लो। ठीक है इसका सही है बच गए, पोस्टमार्टम तो मेरी का ही हुए। लो भाई फिलहाल 1 लीटर जीटी से जो है हम बाहर निकल गए अपनी वाली को, 15,000 चल चुकी है। यस भाई आप मतलब मेरे को कंपटीशन देना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल भाई। अच्छा फिर मतलब आपकी सर्विस भी हो चुकी? सर्विस आपने पैकेज तो लिया नहीं था, फिर खर्चा क्या आया? मैंने ना ले लिया था पैकेज बाद में। क्या खर्चा अभी सर्विस में जब मैं आया था ना तो मेरे को इन्होंने कहा कि 8,500 रुपए की सर्विस है, पर अगर आप पैकेज ले रहे हो तो 10,500 रुपए में 2 सर्विस मिल जाएंगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने वो पैकेज ले लिया था। तो मतलब उसमें फिर फायदा ही रहा वैसे तो? 5,250 रुपए बस इतने ही लगे आपको, 5,200। चलो और 2 सर्विस हो जाएगी। हाँ 2 सर्विस हो जाएगी। ठीक है 30,000 किलोमीटर तक कन्फर्म हो गया। आप देखा जाए जल्दी है अब ये है ना, मतलब इन्होंने मेरे को ऑप्शन भी दिया था कि अगर आपको जल्दी अर्जेंसी में चाहिए तो वो भी कर दो। अब बताऊँ क्या है, अब अर्जेंसी में ना मैं इनको बोल तो देता फिर ये अर्जेंसी में वैसा ही काम होता। और बताऊँ क्या होता है यार, जब कारपेट में पानी चला जाए ना वो अच्छे से सूख जाना चाहिए, क्योंकि फिर है ना कि बॉडी पे भी जंग लगने का डर रहता है भाई लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, क्योंकि जंग से है ना, जंग से अगर आपने मेरी हैरियर वाली वीडियोस देखी होंगी, हैरियर जितना तो पानी नहीं है खैर इसमें, हैरियर में तो बाल्टी भर भर निकाला था हमने, पर वो वाली हालत इसकी मैं देखना नहीं चाहता भाई। और शुक्र है यार मैं ट्रिप पे नहीं निकला, मैं ट्रिप पे इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि यार यहाँ पे है ना एक तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो रखा था, मतलब कभी बारिश तेज़ हो रही है कभी पानी भर रहा है, और साउथ का आपको पता है यार कहीं शहर में कहीं जा रखा हूँ मैं हाईवे पे, कहीं फंस जाऊँ यार पानी वानी में तो थोड़ा है ना घर से दूर रहता भी है यार टेंशन रहती है, इसलिए मैंने ना वो प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया था। A few moments later. अब इसमें ना कई कमेंट करेंगे कि फॉक्सवैगन लेके अब क्या तुम खुश होगे, दिक्कतें तो आ रही हैं यार। ये दिक्कत तो मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी में आ सकती है, टाटा में भी तो आई थी, वो तो इंडियन ब्रांड है, अब कहते हैं ना इंडियन को प्रमोट नहीं करते भाई, मेरे घर में ना सारी ब्रांड है ठीक है, तो मेरे को पता है कि कौन सी कंपनी में क्या दिक्कत आती है। पर हाँ फिर भी अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा कंपेरिजन करूँगा, टोयोटा आज तक भाई सिंगल खर्चा नहीं आया है गाड़ी में से, कुछ भी अलग खर्चा नहीं आया है, मतलब ये कहते ना ओवर प्राइस जो है यूँ है वो है, भाई अगर वो है भी ना आप मतलब हमने ली थी उस टाइम पे तो चलो ठीक है भाई ठीक प्राइस में ली थी, अब भी चलो मैं मान रहा हूँ भाई 60 लाख, पर टोयोटा तो है वो कहते ना फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर है। कुछ गाड़ियों में अब यूँ भी नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी में मैं नहीं चलाई, और देखो एक बार टस और खड़ी थी आपके आगे मैंने वीडियो में उसको जरूर मैंने इसलिए लिया था ताकि भाई मेरे को पता था वीडियो पे कमेंट आने ही आने हैं कि आपकी गाड़ी में ऐसे होता है तुम चलाते हो ऐसे हो तुम ये करते हो तुमने फीचर अनलॉक करा रखा था, मतलब यार लोगों ने कहाँ से कहाँ को साथ थी बात कह रहे थे कि तुमने फीचर अनलॉक कराए थे ना कलर चेंज कराया था उससे गाड़ी में दिक्कत आ रही है, पानी की पाइप एसी की पाइप का और उसका तो कुछ है ही नहीं, और जब मैंने अभी पूछवाई दिया कि वायरिंग जब तक वायरिंग कट नहीं हो रखी तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है गाड़ी में, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।